न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नगरीय निकाय चुनाव निकट है और इस दौरान रीवा शहर अलग अलग सियासी पार्टियों के रंगों में रंगा हुआ दिख रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के नेता अपना दमखम आजमा रहे हैं, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी पीछे नहीं है। रीवा महापौर पद के लिए एडवोकेट देवेंद्र शुक्ला शहर में विकास की गंगा बहाने के लिए मैदान में उतरे हैं। आइए आपको सुनाते हैं निर्दलीय महापौर प्रत्याशी को और उनके विकास के वादों को। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि प्रत्याशी अपने वादों पर कितना खरे उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रा 24 न्यूज। जनता का अपार प्यार मिल रहा है, अपार जन समर्थन मिल रहा है और अगर जनता ने महापौर के रूप में मुझे से आशीर्वाद दिया तो मेरा पहला काम होगा कि जनता के ऊपर जो टैक्स लादे गए हैं उनको मैं आधा करूंगा। ये मेरा पहला काम होगा महापौर बनने के बाद ही। और अगर जो भी मैंने अपनी घोषणाएं की है वो अक्षरशः जनता के सहयोग से लागू की जाएंगी। जनता के परामर्श के बाद ही कोई योजना बनेगी और हर वार्ड में जाकर जनता की चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और जो उनकी समस्याएं जनता द्वारा बताई जाएंगी उसी के अनुसार योजना बनेगी और उसी के अनुसार जो है उनका क्रियान्वयन होगा। मैंने अपने घोषणा पत्र में ये वचन दिया है कि जो नगर निगम में आधा अधूरा विकास दिखता है उसको मैं पूरा करूंगा। जो खुली नालियां हैं मैं अंडरग्राउंड और बंद नालियां बनवाऊंगा जिससे मच्छर न पनपे और बीमारी न हो और हमारे मवेशी और आम जन जो गिरकर उसमें दुर्घटनाग्रस्त होते हैं उनमें उनसे बचाव हो सके। मैंने अपने घोषणा पत्र में आवारा मवेशियों के लिए सुव्यवस्थित स्थान बनाने का और सुरक्षित स्थान बनाने का घोषणा किया है, मैं उसको भी पालन करूँगा। उसके पश्चात मैंने ये भी घोषणा करी है कि अगर मुझे महापौर के रूप में जनता आशीर्वाद देती है तो मैं टैक्स आधा करने के साथ साथ नगर का विकास दुगुना करूंगा, भ्रष्टाचार को शून्य करूंगा और विकास को दुगुना करूंगा। यही मेरी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। मैंने जनता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है और इसी कड़ी में मैंने अपनी देह जो है चिकित्सा महाविद्यालय रीवा को दान कर दी है ताकि हमारे